जय माता दी। आज आपको मैं बताने वाला हूँ आपका भाग्य कब जागेगा, कब आपको गोल्डन पीरियड का सुख मिलेगा, कब आपके सभी सपने पूरे होंगे, कब आप अपने जीवन में उच्चतम शिखर पर पहुँचेंगे, कब आपको जीवन में सुख की अनुभूति होगी और कब आपको मानसिक, शारीरिक, भौतिक और आर्थिक सुख की प्राप्ति अच्छे से हो सकती है। ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको ग्रहों की उम्र बताऊंगा, उस उम्र के हिसाब से आपको अपने निमित्त कर्म भी करने होते हैं और साथ ही साथ आपकी जन्म कुंडली के अंदर अन्य ग्रह भी इन ग्रहों को सपोर्ट करते हुए हों और आपका कर्म, जो आपके काम है, जो आप समाज को देते हैं, जो आप अपने बॉस को देते हैं, जो आप अपनी फर्म को देते हैं, जो आप अपने परिवार को देते हैं, वो एकदम अव्वल दर्जे का आपके प्रयास में होना चाहिए। देखिए, आप अपने क्षेत्र के यदि अर्जुन बनेंगे तो आपके पास कृष्ण अवश्य आएंगे और कृष्ण कौन होते हैं, आपका बॉस होता है, आपके क्लाइंट्स होते हैं, आपके कस्टमर्स होते हैं, वही आपके अन्नदाता होते हैं और वही आपका पालन पोषण भी करते हैं। इसीलिए मैं तो इसी थ्योरी में विश्वास करता हूँ और प्रैक्टिकली अप्लाई भी करता रहता हूँ। इसीलिए मैं आपको अपना कृष्ण स्वरूप मान करके आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देने का प्रयास करता हूँ। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के बारे में। देखिए, जन्म कुंडली के सबसे पहले चौथे भाव में यदि बृहस्पति देव बैठे हैं तो बृहस्पति देव की उम्र होती है 16 वर्ष की आयु। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव चतुर्थ स्थान के अंदर बैठे हुए हैं तो आपके बृहस्पति देव एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड एज पर लाल किताब के हिसाब से ये उच्च के माने जाते हैं। और यहां पर आए हुए बृहस्पति देव उच्च के तो बैठ गए, लेकिन अब इनकी डिग्री कितनी है, क्या ये अन्य नियमों के हिसाब से भी ये शुभ फल दे रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा, ये आपको कोई बेहतर कंसल्टेंट बताएंगे जिनको बहुत अच्छी नॉलेज हो ग्रहों के बारे में और जन्म कुंडली का बहुत अच्छा तजुर्बा हो, वो बताएंगे आपका बृहस्पति शुभ है या नहीं। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव शुभ हैं तो आपको अपनी 16 वर्ष की उम्र से ही जीवन में रुपये पैसे का सुख, प्रॉपर्टी के सुख और किसी न किसी प्रकार से वाहन के सुख जरूर मिलते हैं। इस उम्र से लेकर के 21 साल की उम्र तक के बीच में आपके घर में बड़ा वाहन जरूर आता है या फिर आपके परिवार के लोग कोई संपत्ति जरूर खरीदते हैं, ये शुभ लक्षण हैं। अब इसके बाद मैं बात करूंगा, यदि जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव 10वें स्थान के अंदर बैठे हों, जैसे यहां पर बैठे हैं, तो आपको या आपके पिता को अपने कार्य क्षेत्र में किसी नई उपाधि या किसी नई जिम्मेदारी का सामना करना पड़ता है और इसको बहुत बखूबी निभा करके वो प्रमोशंस भी गेन करते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्यदेव यहाँ बैठे हुए हैं और आपके ऊपर सूर्य की महादशा, अंतरदशा आती है, तो आप इस समय के अंदर आप अपनी नौकरी के अंदर आप तरक्की पाते हैं, आपको सुख मिलता है, आपको अपना रोजगार मिलता है, आपको अपना व्यापार भी मिल सकता है, या फिर आपके पिता यदि संघर्ष कर रहे हों और आपके ऊपर ये समय आ जाए तो उनको भी इस सुख की प्राप्ति होती है। और उम्र क्या होती है, 22 से लेकर के 23 साल का दौर का समय बहुत सुनहरा होता है, बहुत अच्छा होता है ऐसे बच्चों के लिए। अब इसके बाद मैं बात करूंगा जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव की। यदि ऐसे भाव में जहां पर चंद्रदेव उच्च के कहलाते हैं दूसरे स्थान में, यदि यहां पर बैठे हुए चंद्रदेव हो तो ऐसे परिवार के अंदर परिवार बढ़ता है, बढ़ता है का मतलब हो जाता है संतान की भी प्राप्ति होती है, घर में बहू का आगमन भी होता है, साथ ही साथ घर में नए प्रकार से धन की प्राप्ति के अवसर भी खुलते हैं, धन कमाने के अवसर भी ऐसे जातक के परिवार में खुलने लग जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति 24 वर्ष की उम्र से ही धन कमाने के लिए घर से बाहर निकलता है,
अब ये हो गई चंद्रमा की उम्र, यानी कि जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव यहाँ पर शुभ होकर के बैठे हुए हैं उन लोगों का 24 वर्ष की उम्र से भाग्योदय होता है। इसके बाद मैं बात करूंगा शुक्रदेव की। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्रदेव छठे भाव में बैठे हैं, जो कि नीच का कहा जाता है, नीच ही बोलते हैं ना छठे भाव में यहाँ पर बैठे हुए शुक्रदेव को, यहाँ पर मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ, जन्म कुंडली के अंदर ना कोई ग्रह नीच का होता है ना कोई ग्रह उच्च का होता है। ये सिर्फ आपके अपने कर्म, अपनी नियति और अपनी सोच पर निर्भर पहले करता है। तो यहाँ पर आए हुए शुक्रदेव की बात मैं बता देता हूँ, ऐसा व्यक्ति अपनी 25 साल की उम्र से ही घर से कोई ना कोई नौकरी करने के लिए निकलेगा, क्योंकि छठा भाव नौकरी का भी होता है। छठा भाव यहाँ पर सेवाएं देने का होता है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराने का होता है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी 25 साल की उम्र से अपनी कोई ना कोई सर्विसेज शुरू कर देता है। यहाँ पर यदि सूर्य का सपोर्ट होगा तो व्यक्ति समाज सेवा करता है, और यदि यहाँ पर चंद्रमा का होगा तो व्यक्ति अपने ही देश सेवा के अंदर और अपने परिवार की सेवा में लग जाता है। और यदि यहाँ पर मंगल बैठे होंगे तो ऐसा व्यक्ति अपने भाइयों की बहुत अच्छे से सेवा भी करता है और सेवा की प्राप्ति भी जरूर कर पाता है। अब मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर यदि चंद्रदेव बैठे होंगे तो ऐसा व्यक्ति अपनी 24 साल की उम्र से अपनी सेवाएं लोगों को देना शुरू कर देगा। और सेवाएं होंगी क्या? केयर टेकर की सेवाएं होंगी, जैसे माँ बच्चे को पालती है ना, या हॉस्पिटल में नर्स या डॉक्टर्स आपकी देखभाल करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर व्यक्ति ऐसे ही अपनी सर्विसेज देना शुरू कर देता है। कैसा लगा मेरा यहाँ तक का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, यदि आप मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आपका स्वागत है और मेरा सौभाग्य है। अब यहाँ से मैं बात करता हूँ आगे मंगल देव के बारे में। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव 10वें स्थान के अंदर बैठे हैं तो मंगल की उम्र होती है 28 से लेकर के 33 वर्ष तक की। तो ऐसा व्यक्ति अपनी 28 साल की उम्र से ही बड़े जोर शोर से, बड़ी ताकत के साथ, बड़े जोश जुनून के साथ ऐसा व्यक्ति अपने कार्य को करता है, और अपने कार्य के अंदर वो जरा भी टॉलरेंस बर्दाश्त नहीं करता। अपने काम के अंदर वो सर्वश्रेष्ठ करके दिखाने की कोशिश करता है। यदि कोई उसकी बात को बात से नहीं मानता तो वो शाम दम दंड भेद भी लगाने की पूरी कोशिश करता है, और ऐसे व्यक्ति का भाग्य 28 साल की उम्र से जागना शुरू कर देता है यदि मंगलदेव शुभ में बैठे हुए हों। यदि व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर मंगल बद हो, या फिर जो मैंने आपको अच्छी चीज़ें बताई, जिस उम्र से उसी उम्र से ही अगर ग्रह अशुभ परिस्थिति के अंदर बैठे हुए हैं, किसी ग्रह की चोट पड़ रही है या फिर किसी तरह से डिग्री वाइज कोई चोट पड़ रही है, या व्यक्ति ने अपने कर्मों के द्वारा इनको थोड़ा कमजोर कर लिया है, तो इन्हीं उम्र से व्यक्ति का भाग्य कमजोर भी होने लग जाता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, मंगलदेव यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बद हैं, खराब स्थिति में बैठे, तो उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके उपाय क्या होते हैं, वो मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मंगल बद का लिंक दिया है, वो आपको जाके देख लेना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध 9वें भाव में इस प्रकार से बैठे हैं तो 9वां भाव आपका हायर एजुकेशन का होता है, आपकी लंबी विदेश यात्रा का होता है, और साथ ही साथ ये जो 9वां भाव है ना, ये भाग्य का भी मानते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए बुध अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुभ परिस्थिति में बैठे हैं तो शुभ परिस्थिति क्या होती है, यदि बुध राहु का संयोग कुंडली के अंदर खराब ना कर रहा हो तो शुभ होगा। बुध बृहस्पति का शुभ फल बन रहा होगा तो यहाँ पर बुध अच्छा फल देंगे। और बुध के बारे में एक खास बात कही जाती है, बुध कभी भी अकेला अपना बुरा फल नहीं देते,
जिस राशि के अंदर बैठे हो, यदि उस राशि का ग्रह कमजोर होगा तो ये अपना फल कमजोर कर देते हैं। क्लियर। यदि सूर्य बुध साथ बैठे हैं तो सूर्य पर निर्भर करेगा, और यदि चंद्र बुध साथ बैठे हैं तो बुध का अपना फल होगा, और वो कैसे पर चलेगा, वो भी चंद्रमा से ही सपोर्ट लेके चलेगा। बुध को बिन पैंदे का लोटा भी कहा जाता है। ये जिस ग्रह की ताकत देखता उसी ग्रह का फल देना शुरू कर देता है, और जो ग्रह कुंडली के अंदर कमजोर हो और उसकी राशि में बैठा हो तो ये वहां से भी अपना फल कमजोर कर देता है। तो इसीलिए यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध नौवे में बैठे हैं और शुभ होकर बैठे तो बुध का काम होता है रिपीट कराना, बार बार करना किसी चीज को, साइकिल में इस चीज को करना। तो आपकी 34 साल की उम्र से ये आपको किसी हायर एजुकेशन की ललक पैदा कर देंगे, आपको विदेश यात्रा की तरफ अट्रैक्शन क्रिएट कर देंगे, आपको अपने काम को प्रॉपरली मैनेजमेंट में करने की आपकी आदत को ये डाइवर्ट कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ से पिता के सुख और घर के बड़े बुजुर्गों के सुख भी बहुत अच्छे होने लग जाते हैं, और यहाँ पर आए हुए बुध यदि और अच्छी शुभ स्थिति के अंदर हो तो घर में बहन बेटी कन्याओं का सुख भी बहुत अच्छा मिलता है। और ऐसे व्यक्ति के घर में जिस दिन से कन्या जन्म लेती है उसी दिन से ऐसे जातक का भाग्य और भी सुनहरा हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर अब आपको बुध को भी मजबूत रखना होता है। और अब बात करेंगे हम शनिदेव के बारे में। शनिदेव की उम्र होती है 36 साल। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव अच्छी परिस्थिति के अंदर बैठे हैं तो आपका भाग्य आपकी 36 साल की उम्र से जागना शुरू होता है। अब यहाँ पर शनिदेव के बारे में एक खास बात और बता देता हूँ। शनिदेव दसवें भाव के मालिक हैं, आप सब भी जानते हैं। शनिदेव का काम होता है किसी भी कार्य को बहुत धीरे धीरे करना, बहुत सॉलिड रूप में करना। शनि को पहाड़ भी माना जाता है, तो आप जानते हैं ना, पहाड़ पर यदि चढ़ना हो तो आप स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ेंगे, आप एकदम से तो पहाड़ पर चढ़ नहीं जाएंगे। तो यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव मजबूत स्थिति के अंदर हैं, अच्छी स्थिति के अंदर हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप अपनी 36 साल की उम्र के बाद से आप तरक्की पाना शुरू कर देते हैं, और ये तरक्की आपकी सॉलिड होती है। और आप जितना धैर्य के साथ, मजबूती के साथ चलेंगे आपकी जन्म कुंडली के अंदर और आपके जीवन के अंदर, आपको उतनी ही मजबूत और लंबी दूरी तक की आपको सफलता मिलती है। आशा करता हूँ कि आपको अपने भाग्य को जगाने वाले ग्रह का पता चल गया होगा, और आपको उम्र भी जरूर पता चल गई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यदि आपको इनसाइट्स मिल गए हैं तो। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, दुविधा है, तो देर किस बात की, कमेंट करिए ना, आपको मैं हर समस्या का और आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। अब मैं आपसे बात करूंगा राहु केतु के बारे में। तो सबसे पहले राहु देव के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव नौवे भाव में बैठे हैं तो जिस दिन से आपको ससुराल का सुख मिलेगा उस दिन से आपका भाग्य जागृत हो जाएगा, या फिर जिस दिन से आपके ऊपर राहु की उम्र शुरू होगी जो कि उम्र होती है 42 साल, तो यदि आपके जन्म कुंडली के अंदर राहु नौवे भाव में भाग्य स्थान के अंदर बैठे हैं और बुध भी अच्छी परिस्थिति के अंदर बैठे हैं और बृहस्पति का फल भी शुभ हो रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को अपनी 42 साल की उम्र के बाद जीवन के सभी सुख मिलते हैं। परंतु यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव खराब हैं और आपको इसके विपरीत तो फल मिल रहे हैं, तो आपको मेरा केले के उपाय वाला वीडियो है वो यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए दे रहा हूँ, और साथ में आई बटन पे भी आपको वो देख लेना चाहिए। आपको उसका अच्छा फल मिल सकता है अगर आप प्रिकॉशन और उपाय फॉलो करेंगे तो। फिर अब हम यहाँ पर एक चीज़ और भी बता देते हैं। यहाँ पर आए हुए राहुदेव के बारे में कहा जाता है, ऐसा व्यक्ति अपने ससुराल परिवार की जितनी इज्जत करेगा, क्योंकि यदि खराब होते हैं ना तो सबसे पहले ये दंगे शुरू करा देते हैं व्यक्ति के। जिस दिन से शादी होती है उसी दिन से अगर किसी मेरी बहन बेटी या मातुल्य किसी स्त्री की कुंडली के अंदर है
तो जिस दिन से शादी होती है उसी दिन से ससुराल में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है और सेहत की खराबी आती है। और यदि ये किसी मेरे भाई या दोस्त की जन्म कुंडली में है, किसी बड़े की जन्म कुंडली के अंदर है, तो जिस दिन से ऐसे व्यक्ति की शादी होती है वो उसी दिन से अपनी ज़िंदगी के अंदर उल्टी गिनतियाँ गिनना शुरू कर देता है। यार जब से मेरी शादी हुई है मेरा तो जीवन ही उलट पुलट गया, मेरा तो ससुराल वाले सम्मान ही नहीं करते। भाई ये आपकी जन्म कुंडली के अंदर प्री डिसाइडेड होता है, इसलिए इसको आप उपाय करके और प्रिकॉशन फॉलो करके आप इसे कुछ हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं, और आप इसे 100% ख़त्म नहीं कर सकते। ख़त्म करना हो तो दो ही रास्ते हैं, या तो आप बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए और अपने ससुराल परिवार वालों से रास्ता डाइवर्ट करके चलिए, उनके साथ बहुत ज़्यादा आप इन्वॉल्वमेंट मत अपनी जाहिर करिए। और दूसरा उपाय होता है कि आप अपने ग्रहों को समझ करके अपने उपाय भी फॉलो करिए प्लस प्रिकॉशन भी फॉलो करिए, तो आपको इसके अच्छे सुख कुछ हद तक ज़्यादा मिल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा केतु देव के बारे में। केतु जन्म कुंडली के अंदर यदि शुभ परिस्थिति के अंदर बैठे हो तो 48 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति का भाग्य जागृत होता है। यहाँ पर मैं आज आपको एक रहस्य और भी बता देता हूँ। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव सूर्य के राशि में यानी पंचम भाव के अंदर या पांचवी राशि के अंदर बैठे हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपका जिस दिन से सूर्य का समय शुरू होगा, सपोज आपकी 22 साल की उम्र से शुरू होगा, तो आपको 48 साल तक जाने की आवश्यकता नहीं है, या आपको 22 साल तक की जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि राहु का समय पहले आएगा तो भी आपको अच्छा फल मिलेगा, और यदि सूर्य का फल पहले आ जाएगा तो भी आपको अच्छा फल अवश्य मिलेगा। थोड़ा यहाँ पर आपको कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती है, अगर आप मेरी वीडियो को बार बार प्ले करके देखेंगे इस पॉइंट पर तो आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने जो भी बातें आपको बताई हैं ये आपकी महादशा अंतरदशा के हिसाब से वेरिएंटेबल हो सकती हैं, नंबर एक बात। और ये जो मैंने एज यहाँ पर पॉइंट्स बताए हैं ये उन लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा सटीक होगा जिन लोगों का जन्म का समय यानी कि बर्थ टाइम रात को 8 बजे से लेकर के सुबह के यानी अर्ली मॉर्निंग 3:59 यानी कि 4:01 पहले से होगा, ये उनके ऊपर सबसे ज़्यादा फिट बैठ सकती है बातें। इसलिए मेरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माता दी, जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, हर महीने के दूसरे मंगलवार को मैं आपको फ्री कंसल्टेंसी 3-4 घंटे के लिए प्रोवाइड करूँगा। आप चाहें तो मुझसे ऑडियो वीडियो कॉल के द्वारा भी जुड़ सकते हैं, टाइम लिमिट जरूर होगी। आपकी समस्या का समाधान आप तक सही तरीके से डिलीवर करने में, इसीलिए आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पर जा करके अपने आप को रजिस्टर करिए और अपना टाइम स्लॉट फिक्स करिए। मेरा सौभाग्य है कि आपके जीवन में मैं आपको कोई चीज़ क्वालिटी के टाइम पर आपको डिलीवर कर सकूं। आपके जीवन को सुखी समृद्ध और सौभाग्यशाली बनाने में मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और आशा करता हूं आप इसका लाभ खूब बढ़ चढ़ कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा यह हर महीने के होगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है, लाभ लीजिएगा। जय माता दी।